गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड करते हुए आज मेरा हो चुका है 216 दिन। पिछले दो से तीन से चार दिनों से मैं एक हॉस्टल में रुका हुआ था और आपको तो दिखाया ही, आपने तो ब्लॉग्स देखा ही, तो देख सकते हैं यही था हॉस्टल। तो आज हम चल रहे हैं पूरा लद्दाख को आज से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट पहले से जहाँ पर घूमने के लिए चलेंगे। तो हमारा ये दोस्त हो चुका है रेडी और हम भी आज हो चुके हैं रेडी। ऑक्सीजन लेवल ठीक हो चुका है, रेस्ट कर चुके हैं, बाकी तो चलने के बाद ही पता चलेगा। तो जय श्री राम का नाम लेते हैं, अपने राइड को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए जय श्री राम। चल रहे हैं अभी पेंगोंग वैली और हम अभी चल रहे हैं अकेले। वो जो दोस्त लोग था वो सब था, सब अलग अलग रास्तों में अलग अलग गया, हो सकता है कि फिर कभी मिले या ना मिले, वो तो पता नहीं, लेकिन चल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अपने राइड को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और यहाँ भी लेह मार्केट में भी अभी धूप हो चुका है और टेम्परेचर की बात करी जाए तो अभी यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे मात्र अभी 20 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन आप बताइए, 20 डिग्री हमारे लिए, हमारे तरफ बहुत अच्छा होता है, लेकिन 20 डिग्री में यहाँ पर गर्मी लग रहा है। अब आदत जो हो गया ना ठंड में रहने का। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पेंगोंग वैली। थोड़ा सा नेम बोलने में मैं कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ, लेकिन जगह तो जाता हूँ ना। तो चलिए चलते हैं। तो बहुत दिनों के बाद राइड को स्टार्ट करके बहुत मजा आ रहा है। लेट्स एक्सप्लोर लद्दाख। ओहो वाह, इधर है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट है ये, एयरपोर्ट है लेह का। और इधर हम जा रहे हैं पेंगोंग वैली के पास में। तो चलिए चलते हैं। अभी तो साइकिल जो है नीचे जा रही है, इसलिए कोई भार नहीं पड़ रहा। बाकी देखते हैं यहाँ के माहौल में, इधर के वातावरण में मेरा शरीर ढल पाया है कि नहीं। ऐसा तो लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा फ्रेश महसूस हो रहा है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो ऑफलाइन मैप मैंने डाउनलोड कर लिया है, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है जहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो एक बार बोलिए हर हर महादेव। पेंगोंग तासो 220 किलोमीटर, तो वहीं जाना है। खाना हमने खा लिया यहाँ पे और मिल गए हमारे एक भैया जी। क्या नाम है भैया आपका? शिवम नाम है। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। भाई मेरा ट्रैवल कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना पैसे के ट्रैवल कर रहा है, तो भाई को सपोर्ट करो जहाँ पे भी मिलोगे। अभी भाई लेह के अंदर है, लेह में चुगलम सर है और ये अभी आगे पेंगोंग जाने वाले, पेंगोंग जाने तो वाले भाई थे। को सपोर्ट करना। खाना खा रहे थे सर जी ने, खाने का पैसा दे दिया। तो थैंक यू सो मच। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी दिला दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। इस तरह के लोग मिलते रहते हैं तो हमारा हेल्प होते रहता है। बाय बाय। यार यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि दोनों ओर लोगों ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये देखो लेह में, वाह। लोग समझते हैं देखो पेड़ पौधे वो सड़क के किनारे ही लगा रहे हैं, लोगों को पता है यहाँ का ऑक्सीजन का अहमियत, इसलिए लगा है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सेव पैलेस के पास आ गए हैं, आप देख सकते हैं सेव पैलेस। तो अब आ गए हैं तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। मैं भी अननोन हूँ जगह इस जगह से, लेकिन स्ट्रक्चर जो बना हुआ देख करके बहुत अच्छा लग रहा। चलते हैं और पता करते हैं। वाह देखो, इधर तो सनलाइट है लेकिन इधर से देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो रॉक्स है बड़े बड़े, उधर एक बहुत
ही अच्छा कृति बना हुआ है। ऊपर से चल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे मैं आया था घूमने के लिए ऊपर में, तो मुझे लगा कोई काम वाम चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई गाना का सॉन्ग का शूटिंग चल रहा है। देखिए बड़ा बड़ा कैमरा है यहाँ पर, फिल्म शूटिंग वाला कैमरा सब है, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे एक भाई मिल गए हैं। कहाँ से हैं भाई जी? मैं हूँ पटना से। अच्छा, पटना बिहार से। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। अच्छा, आप कैमरामैन? चलिए, असिस्टेंट स्टडी का। कब से रहते हैं यहाँ? यहाँ पे तो तीन रोज से आया हुआ शूटिंग करने। अच्छा अच्छा, हीरो हीरोइन उधर खिड़की में लग रहा है। अच्छा, शूटिंग कर रही है। चलते हैं और यहाँ पे देखिए फिल्म का बहुत ही ओल्ड है ये सब चीज। दिखाते हैं आपको, बहुत ही ओल्ड है, यहाँ की सीढ़ियाँ वगैरह देख सकते हैं। वाह, क्या ओल्ड मिनिस्ट्री है ये सब चीज। Wow, something is crazy, yeah. Wow, क्या व्यू है यार। ये मोनेस्ट्री बुद्ध भगवान को समर्पित है और मंदिर के अंदर में चलते हैं। बहुत ही पुराना 17वीं शताब्दी का ये है मंदिर है, और यहाँ पे बुद्ध भगवान का मंदिर है, और ये तांबा का मंदिर है। यहाँ पे बुद्ध भगवान का सारा श्रद्धालु लोग रहते हैं, देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे ना लेह लद्दाख में ज़्यादातर बुद्धिज़्म देखने के लिए मिल रहा है। वो मोनेस्ट्री को घूम लिया मैंने और आगे बढ़ रहा हूँ। उस मोनेस्ट्री के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं था, गूगल में भी कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं था, और वहाँ के जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि मुझे हिंदी कम आता है, तो ये सब बात है। चलते रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चापा का लेक मिल गया था तो पानी भर लेते हैं यहाँ से। क्या नाम है बोलो जल्दी, नाम बताओ तो टॉफी देंगे हम तुमको। क्या नाम है?
ठीक है रुको। चलते चलते इधर रास्ते में बहुत सारे मोनेस्ट्री मिलता है, जैसे कि मेरे पीछे भी देख सकते हैं एक मोनेस्ट्री और है, तो लगभग सेम ही होता है बुद्ध भगवान का मूर्ति वगैरह। तो हर एक में नहीं जाएंगे, कल्चर वगैरह देखने के लिए एक दो में मैं चला गया। बहुत लंबा और ऊँचा ट्रैक है। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, ते हम दोनों हैं अधूरे। ये देखो मैं हूँ, मेरी बाइसिकल और ये पूरा खाली जगह, ये है ले लद्दाख, कोई नहीं है। ओहो ये देखो मस्त व्यू है। पेड़ पौधे का जो इलाका था अब यहाँ से ख़त्म हो गया, अब पहाड़ों को चीरते फाड़ते आगे बढ़ना है, लेकिन मैं बढ़ते रहूँगा, आगे बढ़ते रहूँगा, पहाड़ चढ़ते रहूँगा। सिर्फ आप लाइक करते रहिए। और ये देखिए अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं, साइकिल में लग चुका है हमारा नेशनल फ्लैग, जो कि बहुत दिन से अधूरा था, बहुत सारे सेटिंग करने के बाद मैंने इसमें लगा दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए चलते रहते हैं, समय हो गया है 5:39 दोस्तों। तो समय हो गया यहाँ पे 6 बज चुका है और अभी भी देख सकते हैं धूप है। तो सवेरे खाना खाए थे, अभी भूख लग गया तो फिर से खा रहे हैं। तो ये है पराठा और चाय, पराठा के साथ कुछ इधर मिल नहीं रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ बढ़ते ही जा रहा है पहाड़ की ओर जाते जाते। पराठा के साथ चाय मंगाए हैं, पराठा और चाय खाते हैं और फिर चलते रहते हैं। शाम के 7:20 हो चुका है दोस्तों, और आज अभी ही ये स्टॉप लेंगे क्योंकि 20-30 में अंधेरा हो जाएगा और ये सब एरिया ऐसा है कि जगह मिल जाए तो रह जाओ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी शाम हो रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा, आज कहाँ पे कैंप करने वाले हैं आपको दिखाते हैं। दोस्तों लोकेशन तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन उस लोकेशन पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। देखिए बीच में एक बहुत बड़ा नहर है, इसको क्रॉस साइकिल लेकर के क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, यहाँ से ढलान है बहुत ज़्यादा, इम्पॉसिबल है, छलांग मार के भी जाना है जापान है इम्पॉसिबल है। अगर हो पाता तो वहाँ पे बहुत अच्छा फील्ड है, एकदम मस्त कैंपिंग करते। और साथ में बह रही है इंदुस नदी, बहुत मज़ा आ जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दूर में ही कैंपिंग करते हैं ये नदी की वजह से, तो कैंपिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो फाइनली हमने लगा लिया है अपना कैंप, ये है मेरा दोस्त बाइसिकल। और उधर देखो यार आसमान से लाइट जो आ रहा है ना, वो आसमान से आ रहा है, नेचुरल लाइट कैप्चर कर रहा है और कुछ है नहीं। और यहाँ पे टेंट लगा लिया है, दूर दूर तक आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सवेरे का नज़ारा आपको दिखाएंगे भाई साहब। चलिए टेंट के अंदर चलते हैं। साइकिल को मैंने यहीं पर छोड़ दिया है और साइकिल को अब नीचे गिरा नहीं सकते क्योंकि झंडा है, झंडा ऊँचा रहे हमारा सदा, है ना, तो ये बात है दोस्तों। तो अभी मैं टेंट के अंदर हूँ, 9:08 हो चुका है और आज के वीडियो को इन करने का समय हो चुका है, तो इन कर देते हैं। उससे पहले यार यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ कहाँ पे कैंप लगाया हुआ हूँ, बाहर का नज़ारा इतना अच्छा है, एक बार मैं आपको क्या बताऊँ, कैमरा में कैद अगर हो पाता है तो आपको दिखाता हूँ वीडियो को इन करने से पहले। देखो यार आसमान में सितारे नज़र आ रहे हैं और बाहर का नज़ारा तो आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा में मेरा उतना पावर नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का कैमरा चाहिए। आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, जो गैलेक्सी दिख रहा है, जो नदी की ओर से हल्का हल्का लाइट नदी के अंदर से आ रहा है, वो सब चीज़ कैमरा में कैद नहीं हो पा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। तो इस चीज़ को देखते देखते सो जाते हैं और सोने से पहले एक अच्छा सा ख्याल मुझे आ गया जो आपको बता देते हैं।
हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। दोस्तों जब आप मान लेते हैं तो हार हो जाती है, लेकिन आप जब ठान लेते हैं ना तो जीतना निश्चित हो जाता है। तो किसी ने सही कहा है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत निश्चित हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो इसके साथ मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, कल और भी मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय। लेट्स एक्सप्लोर लद्दाख टुगेदर, इट्स ऑल्सो न्यू फॉर मी।